what did we discuss in the first part? We discussed the concept of average, and we discussed the concept of finding the average of consecutive numbers. Okay, तो ये चीज़ में दिया था हमने, finding the average. ये हमने किया था in the first part, part one. Right? By formula. Okay. Now part, what did we further do in part one? हमने आपसे कहा था कि एग्जाम्पल लेके से 1, 2, 3, 4, 5 and 6, ठीक है? तो हमने चार बातें इसमें कही थी कि अगर जो भी इसकी एवरेज कितनी हो रही है, इसकी एवरेज हो रही है 3.5. पहला फंडा ये था कि अगर इस सेट में, अगर मान लो 7 कम्स इन, और कम्स इन का साइन अगर ये है, अगर मान लो 7 कम्स इन, द एवरेज विल इंक्रीज, ओके, फ्रॉम 3.5. लेकिन अगर से 2.5 कम्स इन, द एवरेज विल डिक्रीज. क्लियर? क्योंकि एवरेज अगर 3.5 है, 3.5 से ज़्यादा वाली जो भी आती है वो एवरेज को बढ़ा देगी, और 2.5 अगर आती है, यानी कि एवरेज से कम वाला कोई नंबर आता है, देन द एवरेज विल डिक्रीज. ओके, सिमिलरली तीसरी बात इसमें मैंने ये कही थी एक एग्जांपल से कि अगर इसी सेट में अगर मैंने 6 को रिमूव कर दिया, आउट कर दिया, देन द एवरेज विल व्हाट? डिक्रीज. ओके, द एवरेज विल डिक्रीज. ओके, एवरेज से ज़्यादा वाले को अगर मैं निकालता हूँ तो एवरेज कम जाएगी. ओके, फोर्थ इज, अगर मैंने 2 को निकाला यहाँ पे, यहाँ से, देन द एवरेज विल इंक्रीज, बिकॉज जो नंबर मैं निकाल रहा हूँ वो इससे कम है, हेंस द एवरेज विल इंक्रीज. ये चार बातें अगर आप समझ जाते हो, समझने वाली कोई याद करने वाली बात नहीं है, सिंपल बात है ये. ओके, सो दीज आर जस्ट ऑब्जर्वेशन बेस्ड कंक्लूजन. ठीक है, तो ये अगर आप बात समझ जाते हो, देन इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व दी क्वेश्चंस. ओके, हम एक एक करके क्वेश्चन अब लेते हैं और हम अपने मेथड्स को अप्लाई करते हैं इन डिफरेंट क्वेश्चंस. ओके, अपनी ट्रेडिशनल मेथड से भी करेंगे क्योंकि वो मेथड भी हमें जानना ज़रूरी है, एंड उसके बाद नॉर्मल मेथड से भी हम करेंगे. ओके, पहला सवाल, द एवरेज एज ऑफ ए क्लास इज 15 ईयर्स. व्हेन ए टीचर ऑफ एज 30 ईयर्स जॉइंस द क्लास, द एवरेज एज इंक्रीजेस बाय 0.25 ईयर्स. व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास? एवरेज एज ऑफ द क्लास इज 15 ईयर्स. व्हेन ए टीचर ऑफ एज 30 ईयर्स जॉइंस द क्लास, देन द एवरेज एज इंक्रीजेस बाय 0.25 ईयर्स. सो व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास? तो सर पहला मेथड है, तो हम लोग इसे ट्रेडिशनल मेथड से भी कर सकते हैं. तो मान लो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास है, मान लो एक्स स्टूडेंट्स हैं, तो एवरेज एज अगर 15 ईयर्स है तो टोटल एज स्टूडेंट्स की कितनी है? 15x है. ओके, 15x है. नाउ 15x है और अब टीचर भी आ गया है, तो अब क्लास की टोटल एज कितनी हो गई है? 15x प्लस 30. ओके, अब एवरेज कितनी हो गई है? एवरेज बढ़ गई है 0.25 से, यानी कि अब एवरेज हो गई है 15.25. राइट, और इसमें अब कितने बंदे हो गए? दैट इज एक्स प्लस 1 बंदे हो गए, एक्स स्टूडेंट्स और एक टीचर. तो ये एज और ये एज तो सेम ही होगा, तो फिर सॉल्व दिस वन, इट कम्स आउट टू बी 15x प्लस 30, दैट इज इक्वल टू 15.25 एक्स प्लस 15.25. ओके, सो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ, इट कम्स आउट टू 14.75 इज इक्वल टू 0.25x. सो x की वैल्यू आ जाती है 14.75 बाय 0.25, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? इट इज 59. क्लियर? सो 59 इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास ओरिजिनली. ओके, ये अपना पहला मेथड है और ये मेथड हमें जानना चाहिए क्योंकि इस मेथड से हमने अपनी पूरी बात शुरू की है. एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन.
सम इज इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही बात हमने यहाँ पे लगाई है, इसलिए इक्वेट करके वी गॉट द आंसर टू बी 59। ओके, अब जब हम एग्जाम पर्सपेक्टिव में सोचेंगे तो व्हाट विल बी द एग्जाम थिंकिंग अकॉर्डिंग टू एग्जाम पर्सपेक्टिव। हम ये कहेंगे कि सपोज कीजिए क्लास की एज है 15। मैंने अभी आपसे कहा है कि अगर ज़्यादा वाला आता है तो एज बढ़ जाती है, अगर कोई ज़्यादा वाला बंदा आता है एवरेज तो वो एज को बढ़ा भी देता है, हेंस आप देख रहे हो यहाँ पे द एवरेज इंक्रीजेज है। ओके, तो सपोज कीजिए अगर टीचर की एज भी 15 ही होती, एवरेज एज ऑफ क्लास 15 है, टीचर की एज अगर 15 ही होती तो एवरेज भी तो 15 ही रहता था, राइट? पर टीचर की एज कितनी है, व्हाट इज द टीचर एज ऑफ द टीचर, इट इज 30 इयर्स। तो वो एवरेज से कितना ज्यादा है, वो एवरेज से कितना ज्यादा, हाउ मच ही इज मोर देन द एवरेज, इट इज 30 माइनस 50 यानी कि 15 साल, राइट? टीचर की एज है 30 इयर्स यानी कि वो एवरेज से कितना ज्यादा है, 15 इयर्स ज्यादा है, और उसके आने से एवरेज इंक्रीजेस बाय 0.25 इयर्स, यानी कि इस 15 ईयर के गैप को भरने के लिए सब में 0.25 बढ़ गई है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि एक किताबों का एक हाइट है जिसकी हाइट है 15 और छोटे छोटे किताब है, हर छोटे किताब की हाइट है 0.25, तो आपको बताना है कि उस रैक में कितनी किताबें हैं। अगर एक किताब की हाइट 0.25 है और इस रैक में 15 सेंटीमीटर की किताबें हैं टोटल हाइट की, और एक किताब की थिकनेस 0.25 सेंटीमीटर है, तो कितनी किताबें बनाएंगी। सो विच मीन्स वही बात है कि इस 15 सेंटीमीटर ईयर्स को गैप को भरने के लिए इनमें 0.25 से भरना पड़ेगा। सो इट इज़ 0.25, सो 15 बाई 0.25 यानी कि 60 होंगे। तो ये जो 60th है इसमें वो भी है जो टीचर भी आया है, राइट? उस टीचर को भी हमें अकाउंट में लेना पड़ेगा, राइट? तो उस टीचर को अकाउंट में ना ले तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे, इट इज 60 माइनस 1 दैट इज 59। क्लियर ना? सो दिस वे वी कैन ऑल्सो सॉल्व इट। हम कह सकते हैं कि एवरेज जो बड़ी है 15 ईयर्स बड़ी है, राइट? और एवरेज मैंने टीचर एवरेज से 15 साल ज़्यादा, और उसके आने से सब में 0.25 बढ़ी है जिसमें वो टीचर भी इंक्लूडेड है, राइट? तो विच मीन्स 15 के गैप को भरने के लिए 0.25 के हिसाब से कितनी किताबें लगेगी, 60 किताबें लगेगी, 60 में से 60th जो है वो टीचर है, उसको हटाइए तो देयर विल बी 59 स्टूडेंट्स होंगे। क्लियर? द थर्ड मेथड जिसको हम कहते हैं द शॉर्टकट मेथड, विच यूजली कम्स फ्रॉम हियर ओनली। इसी में शॉर्टकट बटी है, राइट? तो हम यहाँ पे कहते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मान लो अगर एक्स है, ओके, और अब नंबर ऑफ एंटिटीज कितने हो गए, एक्स प्लस 1। पहले एवरेज एज कितनी थी, 15, अब कितनी हो गई है, 15.25, और इस जो एक बढ़ा है उसकी एज कितनी है, 30। ओके, और एवरेज एज कितना बढ़ा है, इट इज 0.25। क्लियर है नॉट? हेंस वी कैन से एक्स बढ़ा है, एक्स अगर नंबर ऑफ बच्चे हैं और एक्स प्लस 1 नंबर ऑफ एंटिटी है, और इन दोनों के डिफरेंस 30 इयर्स है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि आई कैन ईजली से कि इस 30 की जो बात है, 30 जो है दैट इज इक्वल टू दिस एक्स इंटू 0.25 प्लस 1 इंटू 15.25। ये जो एक एंटिटी आया है इस एक एंटिटी को यहाँ से इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और ये एक्स एंटिटी को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, एक है यानी कि एक जो बड़ा है उसको यहाँ से मल्टीप्लाई किया और इस एक्स को यहाँ से मल्टीप्लाई किया, देन इट द सम ऑफ दीज टू नंबर्स इज इक्वल टू द एज ऑफ द टीचर जो नया एंटिटी आया है, राइट? अगर आप इसे सॉल्व करते हैं इट कम्स आउट टू बी 30 माइनस 15.25 इज इक्वल टू
एक्स इंटू पॉइंट टू फाइव, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी 14.75 बाय पॉइंट टू फाइव, दैट इज इक्वल टू 59। ओके, अब मैं इस चीज को समझाता कि आया कैसे। ओके, लेट मी इंसर्ट अ ब्लैंक स्लाइड हियर। हमने मेथड वन में क्या कहा था, मेथड वन में हमने कहा था इट इज समथिंग लाइक दिस कि नंबर ऑफ बच्चे एक्स हैं, 15x प्लस 30 इज इक्वल टू 15.25 इंटू एक्स प्लस वन। तो अगर मैं इसे इस तरह से लिखूं, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो 15.25x राइट प्लस 15.25 इज इक्वल टू 15x प्लस 30। तो अगर 15.25x माइनस 15x इज इक्वल टू 30 माइनस 15.25, दैट इज इक्वल टू 14.75। क्लियर। अब जो मेथड थ्री मैंने बताया आपको, दैट इज अ शॉर्टकट मेथड, शॉर्टेस्ट मेथड, वो मैं ये कह सकता हूँ कि x की एवरेज है 15 और x प्लस 1 की एवरेज है हाउ मच 15.25। बढ़ी कितनी 0.25। यहाँ पे इस एंटिटी का वो कितना हुआ, एक एंटिटी बढ़ी और उसकी एज हो गई 30 years। तो बेसिकली अगर आप देखो इस 30 इज इक्वल टू, अगर मैंने लिखा यहाँ पे, सो 30 इज इक्वल टू दिस 1 इंटू 15.25 प्लस एक्स इंटू 0.25। ओके, तो आप यहां पे देखो 30 माइनस 15.25 हो रहा है एंड दैट इज इक्वल टू एक्स इंटू 0.25। देखो यहां पे इस इसको मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ, एक्स इंटू 0.25 इज इक्वल टू 30 माइनस 15.25। तो ये बात एंड दिस वन, दिस इंफॉर्मेशन इज बेसिकली सेम ओनली। तो इससे लगे लगा के हमें एक शॉर्टकट आ गया। तो अगर मान लो शॉर्टकट ये कहता है कि एक एंटिटी की अगर मुझे एज निकालनी है तो उस एक एंटिटी को बढ़ा देंगे और उसको बना देंगे x प्लस वन, एक्स अगर है ओरिजिनल बच्चे तो एक्स प्लस वन, तो देन इस एक की जो वैल्यू होगी वो होगी एक इंटू 15.25 प्लस एक्स इंटू 0.25। क्लियर नॉट, इससे हमारा टाइम थोड़ा बच जाएगा। ओके, देर आर नंबर ऑफ मेथड्स बट दीज आर द थ्री मेथड्स ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। मेथड वन तो मैंने बताया जो आप सीखने के लिए करोगे, मेथड टू भी आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से करोगे, लेकिन मेथड थ्री एकदम एग्जाम ओरिएंटेड जो मेथड है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ओके, नाउ इफ यू सी वन मोर क्वेश्चन, अब इस मेथड को हम एप्लीकेशन करेंगे। द एवरेज ऑफ अ बैट्समैन इन 16 इनिंग्स इज 36। इन द नेक्स्ट इनिंग्स ही इज स्कोरिंग 70 रन्स, वॉट विल बी हिज न्यू एवरेज। तो अगर मैं न्यू एवरेज निकालना है तो हाउ विल वी फाइंड अ न्यू एवरेज, हम कहेंगे कि इट इज द एवरेज ऑफ द इनिंग्स इज 36, 16 इनिंग्स इज हाउ मच 36, 17 इनिंग्स की मान लो एवरेज है एक्स, तो बढ़ी कितनी 36 से एक्स, यानी कि एक्स माइनस 36। ओके, एंड से दिस वन, अगर मैं इसको इस मेथड से बनाऊँ, दिस इज हाउ मच, इसकी वैल्यू कितनी है 70। ओके, सो मैं कह सकता हूँ कि इस एक इनिंग जो बड़ी है और ये x माइनस 36, आई कैन से वेरी इन अ शॉर्टकट वे कि 16 इंटू एक्स माइनस 36, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्योंकि एक एंटिटी बड़ी है, इसको इस x से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस 1 इंटू एक्स इज एक्स, दैट इज इन दोनों को ऐड करके जो होगी वो उस एंटिटी की वैल्यू होगी जो कि 70। ओके, तो 17x ओके माइनस 16 इंटू 36 इज इक्वल टू 70। ओके, सो देन दिस कम्स आउट टू बी 17x इज इक्वल टू 646, तो x की वैल्यू आएगी इट इज 38। दूसरा तरीका बहुत आसान तरीका कि अगर नेक्स्ट इनिंग में अगर वो 70 अगर वो 36 ही बनाता तो उसकी एवरेज भी तो 36 ही रहती,
लेकिन वो कितना ज़्यादा बनाना है, 70 माइनस 36, दैट इज 34 ज़्यादा बनाना है। अगर वो 34 ज़्यादा नहीं बनाता तो उसकी एवरेज तो वही रहती, विच मीन्स ये जो 34 रन्स हैं जो एक्स्ट्रा बने हैं वो उसके 17 इनिंग्स के एवरेज को बढ़ा देंगे। 34 जो टोटल बने हैं वो इस 17 इनिंग्स में बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और इस कारण से उसकी एवरेज उतनी से बढ़ जाएगी। सो विच मीन्स वॉट विल बी हिज एवरेज, हिज एवरेज विल इंक्रीज बाई हाउ मच, 34 बाई इन पूरे 17 इनिंग्स में जो बढ़ी है विच इज 2 बढ़ जाएगी। ओवर इज एवरेज इन एग्जिस्टिंग एवरेज ऑफ 36 और हिज न्यू एवरेज इज 36 + 2 विल बी 38। वेरी सिंपल, इस तरीके से भी कर सकते हैं, एक शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं, राइट। हम अगर चाहें तो दोनों मेथड हम अपना सकते हैं, राइट। ये समझना है कि अगर ये एप्लीकेशन है जितना अप्लाई करेंगे उतना ये आसान होता जाएगा, राइट। बट दिस इज वेरी प्रैक्टिकल थिंग। अगर मान लो 16 इनिंग में 36 है और 17 इनिंग में 36 बनाता है तो उसके आप 36 ही रहेगी, बट बढ़ाता है, बनता है एक्स्ट्रा कितना है, 34 रन्स टोटल बढ़ता है। एंड ये टोटल 34 रन्स टोटल 17 इनिंग्स में फैल जाएगा और उतनी से ही एवरेज बढ़ जाएगी। सो दैट विल इंक्रीज द एवरेज बाई 34 बाई 17, यानी कि 2 रन से बढ़ा देगा। सो 2 से बढ़ गया, विच इज न्यू एवरेज 36 + 2 = 38। सो बोथ दीज मेथड्स आर वेरी गुड मेथड्स ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। ओके, हम चलते हैं एक और क्वेश्चन की ओर, इसी का एप्लीकेशन करते हैं। लेट्स सी, द एवरेज मार्क्स ऑफ 19 चिल्ड्रन इन अ पर्टिकुलर स्कूल इज 50। ओके, व्हेन अ न्यू स्टूडेंट विद मार्क्स 75 जॉइंस द क्लास, व्हाट विल द न्यू एवरेज ऑफ द क्लास, व्हाट विल बी द न्यू एवरेज ऑफ द क्लास। सो वी कैन डू इट बाय टू मेथड्स है। अगर न्यू स्टूडेंट की मार्क्स अगर 50 ही रहता तो एवरेज तो 50 ही रहती, लेकिन न्यू स्टूडेंट के मार्क्स कितनी ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है फ्रॉम द एवरेज, राइट। उसकी टोटल जो है वो 25 ज़्यादा है ओवर इज एवरेज। ये 25 रन्स इस पूरे 20 इनिंग्स में फैल जाएगा एंड हेंस दैट विल इंक्रीज द एवरेज बाय 1.25, राइट। सो 1.25 एवरेज बढ़ जाएगी। सो व्हाट विल द न्यू एवरेज नाउ, इट विल बी 51.25। ओके, सो इस तरीके से करेंगे अपना शॉर्टकट मेथड। 19 एंटिटी की एवरेज है 50। ओके, 20th एंटिटी की एवरेज, 20th एंटिटी की वैल्यू है 75, तो एक एंटिटी बढ़ गई है। ओके, और एवरेज हो गई है कितनी, x, एवरेज इंक्रीज कितना हुआ, x माइनस 50। ओके, सो नाउ आई कैन से इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। सो 19 इंटू x माइनस 50 और इस वन को इस x से मल्टीप्लाई कीजिए, सो दैट कम्स आउट टू बी x, द वैल्यू सम ऑफ दीज टू इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द न्यू एंटिटी विच इज 75। ओके, सो दिस इज द वैल्यू, सो इट कम्स आउट टू बी 19x माइनस 50 प्लस x इज इक्वल टू 75, यानी कि 50 इंटू 19 होगा। सो 20x इज इक्वल टू 50 इंटू 19 प्लस 50 प्लस 25, अगर मैं इसे 75 को लिख दूँ तो 50 इंटू 20 प्लस 25, तो x की वैल्यू कितनी होगी, इसको 20 से डिवाइड दे दो तो ये तो कट जाएगा, तो 50 हो जाएगा, और प्लस 25 बाई 20, और इस 25 बाई 20 इज 1.25, सो यानी कि हो जाएगी 51.25। एग्जैक्टली द लॉजिक जो मैं यहाँ पे इस्तेमाल किया वही मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, फ़र्क इतना है कि मैंने एक शॉर्टकट एलिमेंट यहाँ पे डाल दिया। ओके, ये नंबर है और दिस इज द एवरेज, सिंपल सी बात, क्लियर और नॉट। दिस इज हाउ यू अटेम्प्ट क्वेश्चंस ऑन एवरेज यूजिंग द फॉर्मूला। मैं एक और सवाल करते हैं, लेट्स सी, द एवरेज ऑफ 29 स्टूडेंट्स इज 18, इफ द एज ऑफ द टीचर इज ऑल्सो इंक्लूडेड द एवरेज ऑफ द क्लास बिकम्स 18.2, फाइंड द एज ऑफ द टीचर। वेरी इजी। ओके, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स कर रहे हैं, हम और भी आगे बढ़ेंगे। सो इट कम्स आउट टू बी 29 स्टूडेंट्स की एज कितनी है, 18, एंड 30 एंटिटीज यानी कि एक एंटिटी जो बढ़ा है उसकी एज कितनी हो गई, उसकी एवरेज कितनी हो गई है, 18.2। ये नंबर है, ये एवरेज कितनी बढ़ी है, 0.2, राइट।
तो विच मीन्स द एज दिस एंटिटी की जो वैल्यू होगी v दैट विल बी इक्वल टू इस 1 को आप इस 18.2 से मल्टीप्लाई करो और 29 को इस 29 को 0.2 से मल्टीप्लाई करो. सो 29 इंटू 0.2 इज इक्वल टू 18.2 प्लस 29.2 से मल्टीप्लाई करते कितना होता है 5.8 होता है. सो आई कैन से 18.2 प्लस 5.8 इज हाउ मच इट इज 18.523 एंड 24 ईयर्स. ओके सो हेंस द एवरेज एज इज हाउ मच इट इज 24 द एज ऑफ द टीचर इज 24 ईयर्स. अब इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं हम चाहे तो. इफ द एज ऑफ द टीचर्स ऑल्सो इंक्लूडेड द एवरेज एज ऑफ द क्लास बिकम्स 18. तो अगर मान लो टीचर की एज भी अगर 18 होती तो एवरेज तो 18 ही होता. लेकिन एवरेज कितनी बड़ी है 0.2 बड़ी है. द एवरेज हैज इंक्रीज बाय 0.2. तो जो बड़ी है 0.2 वो कितनी एंटिटीयों में बड़ी है 29 बच्चे और एक टीचर यानी कि 30 एंटिटीज में बढ़ी है 0.2 यानी कि टोटल एज जो बढ़ी है वो इसलिए बढ़ी है क्योंकि वो एक्स्ट्रा एज टीचर की एज है ओवर द एवरेज एज ऑफ टीचर. जो एक्स्ट्रा एज है 30 × 0.2 यानी कि 6 साल वो ओवर एंड अबव जो टीचर की एग्जिस्टिंग एज है 18 साल वो है. सो 6 + 18 इज हाउ मच इट इज 24 ईयर्स. क्लियर. हम इस तरीके से भी सोच सकते हैं, हम शॉर्टकट भी लगा सकते हैं, हम कॉमन सेंस भी सोच सकते हैं. हमने कॉमन सेंस इसी लगाया क्योंकि हमें हम कॉमन सेंस से भटेंगे, हम ये नहीं फॉर्मूला के चक्कर में पड़ गए एंड कॉमन सेंस वाले एलिमेंट को भूल जाएंगे देन डैट विल बी डिजास्ट्रस. तो मैं ये कहूँगा कि मान लो टीचर की एज अगर 18 है तो एवरेज तो 18 ही रहती लेकिन बढ़ी कितनी 0.2 बढ़ गई. तो 0.2 सब में बढ़ गई, सब में वो टीचर भी इंक्लूडेड है यानी कि 30 एंटिटीज़ में 30 प्राणियों में 0.2 करके जो बढ़ती है उतनी ही एज ज़्यादा है टीचर की. ओके उतनी ही एज ज़्यादा है टीचर की ओवर द एवरेज एग्जिस्टिंग एवरेज ऑफ 18 ईयर्स. सो 18 + 6 इज हाउ मच इट इज 24 ईयर्स. सो द एवरेज एज ऑफ द टीचर इज 24 ईयर्स. क्लियर और नॉट. इस तरीके से इफ़ यू थिंक then it becomes very easy to do the question. Let's take one more question. The average age of a cricket team of 11 is 22 years. The average age gets increased by 1 year when the coach's age is also included. So what is the age of the coach? हमें अब हम formula नहीं भी लगाए तो we can straight away say that the age of the coach is how much? Age of the coach is how much? ये 22 तो बढ़ी ही बढ़ी है और सब में एक एक साल बढ़ गई है यानी कि 11 और एक 12 यानी कि 12 एंटिटीज में एक बढ़ी यानी कि एज ऑफ द कोच इज 22 + 12 × 11 दैट इज 34 ईयर्स. वी कैन स्ट्रेट अवे से दिस और इफ यू वांट टू यूज द फॉर्मूला प्लीज यूज इट. 11 एंटिटीज की एज है 22, 12 एंटिटी की एज है 23, बढ़ी कितनी एक बढ़ी और यहाँ से भी एक एंटिटी बढ़ा. इस एक को 23 से मल्टीप्लाई करो और इस 11 को इस एक से मल्टीप्लाई करो कि एज बढ़ी है एक. सो इट इज 11 × 1 दैट इज 23 + 11 दैट इज हाउ मच इट इज 34 ईयर्स अगेन. क्लियर और नॉट. सो दिस वे वी कैन यूज द फॉर्मूला एज वेल एज यूज आवर कॉमन सेंस टू सॉल्व क्वेश्चन. हम लोग अपना फॉर्मूला को ध्यान में रखेंगे ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है पर अपने कॉमन सेंस एलिमेंट को कभी नहीं छोड़ेंगे. ओके हम करते हैं एक और क्वेश्चन की ओर. लेट्स सी. द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 12 टीचर्स इज 40 ईयर्स. इफ 4 मोर टीचर्स ज्वाइन द ग्रुप द एवरेज एज इंक्रीजेस बाय 1 ईयर. व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द न्यू टीचर्स. ओके वेरी इजी. सो हम वही अपनाते हैं अगर फॉर्मूला भी अपनाए तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा राइट. इफ आई से 12 एंटिटी की एज कितनी है 40 और 4 बढ़ी है यानी कि 16 एंटिटीज की एज कितनी हो गई है 41. तो इस 4 एंटिटी का जो एज होगा व्हाट विल बी दैट एज. ये एज एक बढ़ी है और यहाँ से ये 4 बढ़ी है विच मीन्स आई कैन से द टोटल एज ऑफ द 4 टीचर्स इज इक्वल टू हाउ मच इट इज 12 × 1 प्लस 4 × 41
ओके सो 12 इनटू 1 प्लस 4 इनटू 41 ये चारों का एज है राइट सो इट कम्स आउट टू बी 164 प्लस 12 इज 176 ओके सो द टोटल एज इज 176 इयर्स हेंस द एवरेज एज ऑफ द फोर टीचर्स इज 176 बाय 4 दैट इज 44 इयर्स इसको हम लोग मेथड नंबर 4 से भी करेंगे जब हम एक और टॉपिक करेंगे दैट इज द टॉपिक ऑफ एलिगेशन राइट हम एलिगेशन से भी इसे करेंगे बट फॉर द टाइम बीइंग फोकस योर एनर्जी ओनली ऑन दिस मेथड दिस शॉर्टकट मेथड विच इज अ वंडरफुल मेथड ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन ओके राइट ओके इसको हम शॉर्टकट अगर एक और शॉर्टकट से करना चाहें अगर एवरेज अगर 40 इयर्स ही रहती चारों टीचर की एज अगर 40 इयर्स ही रहती तो कोई इशू नहीं थी 40 इयर्स राइट बट कितनी बड़ी है 41 बड़ी है यानी कि 1 इयर्स बड़ी है ओके सो 1 इयर्स इधर बड़ी है और इन 12 टीचर में एक एक साल बड़ी है वो एक एक साल वो यानी कि 12 साल उन चार टीचर में फैल गई है यानी कि फर्दर और कितना इंक्रीज हुआ है 12/4 यानी कि 3 इयर्स और इंक्रीज हुआ आई कैन से द एवरेज एज ऑफ द टीचर्स इज 40 + 1 + 3 दैट इज 44 इयर्स एक बार और समझाता हूँ ये मेथड अपने होपफुली आपको समझ में आ गया होगा मैं सिंपल से इस मेथड यहाँ पर पकड़ता हूँ मैं कहता हूँ कि अगर मान लो चारों टीचर की एज अगर 40 रहती राइट अगर एवरेज एज 40 रहती राइट तो देन 40 ही रहती तो एवरेज में कोई इंक्रीज नहीं होती लेकिन बढ़ी कितनी है एक बढ़ी है तो यानी कि एवरेज एज अब तो 41 होगा उन चारों का तो होगा ही होगा 41 से तो ज़्यादा ही होगा और कितना बड़ा है क्योंकि अगर एवरेज एज एक बढ़ी है तो टोटल एज जो 12 साल 12 × 1 यानी कि 12 ईयर्स बढ़ी है वो 12 ईयर्स टोटल उन चार टीचरों में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है राइट उसी कारण से एवरेज एज 1 ईयर्स बढ़ी है फॉर दैट रीजन ओनली एक साल बढ़ी है विच मीन्स द टोटल एज हैज इंक्रीज बाय हाउ मच 12/4 यानी कि 3 ईयर्स सो द न्यू एवरेज एज ऑफ द न्यू टीचर्स इज 44 ईयर्स राइट तो इस तरीके से इफ यू थिंक देन द क्वेश्चन बिकम्स मच मोर इजी टू डू ओके लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन आप मैं चाहूँगा कि ये मेथड्स जब ही मैं बता रहा हूँ प्लीज पॉज इट एंड देन लुक एट द क्वेश्चंस एंड देन सॉल्व इट ओके सो ये मेथड वेरी मच इम्पॉर्टेंट येस बट अपना कॉमन सेंस एलिमेंट कभी नहीं छोड़ते हम लोग ओके अब दिस क्वेश्चन द एवरेज एज ऑफ द फर्स्ट 17 नंबर्स इज 37 द एवरेज एज ऑफ द फर्स्ट 9 नंबर्स इज 39 while the average age of the last 9 numbers is 36 find the 9th number okay to isko hum log thode se aur dynamic method se karte pehle lambe method se hi karte hain to agar maan lo 9 numbers ki average hai 39 so 9 into 39 is the age of the is the total of the 9 numbers and baki 9 numbers yani ki uski total kitni hai 9 into 36 एंड दैट इज इक्वल टू क्योंकि 9 यहाँ पे लिया है 9 यहाँ पे लिया है तो टोटल हमने 18 नंबर्स लिए लेकिन है कितने 17 नंबर्स यानी कि 9th नंबर यहाँ पे और यहाँ पे डबल काउंटिंग हो गई है विच मीन्स जो 17 नंबर्स की जो टोटल है 37 उसमें एक एक्स्ट्रा जो है वो वही है जो 9th नंबर है क्लियर राइट तो हेंस द यही होगी 9th नंबर की वैल्यू ध्यान दो 9 नंबर्स की 39 है 9 नंबर्स की 36 है विच मीन्स आई कैन से यहाँ पे 9 नंबर लिया है तो यहाँ पे तो 8 नंबर्स होनी चाहिए तो यहाँ पे एक नंबर ज़्यादा ले लिया है अगर यहाँ पे 8 नंबर्स होती अगर यहाँ पे 8 नंबर्स लेते तो यहाँ पे 9 नंबर ज़्यादा ले लिया है क्लियर और नॉट सो कहीं ना कहीं एक ज़्यादा लिया है वो कौन सा है वो 9th नंबर है ओके सो इफ यू सॉल्व दिस वन अगर हम इसे सॉल्व करें और यहीं से शॉर्टकट निकलते फिर सॉल्व दिस वन इसको मैं लिखूंगा 9 इंटू हम 37 के रेस्पेक्ट में करते हैं इसको हम क्या लिखेंगे 9 इंटू 37 प्लस 2 प्लस 9 इंटू 37 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 17 इंटू 37 प्लस एक्स सो 9 इंटू 37 प्लस 9 इंटू 2 प्लस
9 into 37 minus 9 into 1, that is equal to 17 into 37 plus x, राइट right? तो सब 37 को एक जगह कर दो, तो कितना होता है 9 into 37 plus 9 into 37 minus 17 into 37 plus 9 into 2 minus 1, राइट right? That is equal to the value of x, यानी कि कितना हो गया 9 और 9 18, 18 में से एक गया 17, 17 18 में 17 गया 1, सो ये हो गया आपका 37 प्लस 9 इंटू 2 माइनस 1, यही है नाइन्थ नंबर की वैल्यू, तो 9 37 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 46 इज द वैल्यू ऑफ नाइन्थ नंबर, क्लियर नॉट? अब हम चाहें तो इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट, अब देखो अगर यहाँ पे ये मैं ये पता लग गया है, ये पार्ट अगर मैं पता लग गया है, वी कैन ईजिली डिवाइड द शॉर्टकट, नाइन नंबर्स की एवरेज कितनी है 39 और अगले नाइन की एवरेज कितनी है 36 और नेट नेट एवरेज कितनी है 37, तो ये इससे कितना ज़्यादा है प्लस 2 ज़्यादा है और ये इससे कितना ज़्यादा है माइनस वन ज़्यादा है, वन कम है यानी कि माइनस वन ज़्यादा है, तो नेट नेट तो यानी कि जो 37 को अगर मैं बेस मानूँ तो नाइन्थ नंबर की जो वैल्यू होगी वो 37 तो होनी ही होनी है, तो नेट नेट कितना इंक्रीज हुआ है प्लस टू और माइनस वन कितना इंक्रीज हुआ है 2 माइनस वन इंक्रीज हुआ है, अगर एवरेज में 2 माइनस वन यानी कि 1 इंक्रीज हुआ है तो टोटल 9 नंबर्स में क्योंकि हमें 9 से मल्टीप्लाई करना है इट कम्स आउट विद 37 प्लस 9 टू 2 माइनस 1 दैट इज 46, क्लियर नॉट? इस तरीके से हम चाहे तो कर सकते हैं, एक बार फिर से बताता हूँ, 9 की एवरेज है 39, इस 9 की है 36 और नेट की है 37, तो 39 37 से कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, ये 36 37 से कितना कम है, एक कम है यानी कि माइनस वन ज़्यादा है, तो नेट नेट कितना है डिफरेंस है 2 माइनस वन यानी कि 1 की बढ़त है नाइन्थ नंबर की, राइट right? अगर नाइन्थ नंबर की 1 की बढ़त है उन्होंने एवरेज 9 नंबर्स पे तो टोटल बढ़त कितनी है नाइन्थ नंबर की 9 इंटू 2 माइनस 1 यानी कि 9 इंटू 1 विच इज 9 इंक्रीज ओवर 37 दैट इज 46, तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आए कि 9 का दिया हुआ है 9 का दिया हुआ और कुछ भी दिया हुआ कुछ भी दिया हुआ नेट नेट डिफरेंस कैलकुलेट करके उसे 9 एंड या जितने भी एंटिटीज है सेम नंबर ऑफ एंटिटीज है मल्टीप्लाई कर दो फ्रॉम दी एग्जिस्टिंग एवरेज ऐड कर दो दैट्स इट आंसर आपका आ गया विच इज वट एवर जो भी आंसर है दैट इज 46 इज द आंसर, क्लियर नॉट? तो ये मेरा तरीका था ऑफ फाइंडिंग द एवरेज ऑफ नंबर्स, ओके, जिससे हम क्वेश्चंस और अच्छी तरह सॉल्व कर सकते हैं, वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन इन अ मच फास्टर वे, तो हमने इस पार्ट में हमने देखा वी ऑल्सो वी फोकस्ड ऑन द शॉर्टकट मेथड, राइट, एंड वी ऑल्सो फोकस्ड ऑन सम ऑफ द कॉमन सेंस मेथड जिससे हम क्वेश्चन कर सकते हैं, और हमें दोनों मेथड समझना चाहिए, हमें एक के भरोसे रहेंगे अगर फॉर्मूला अगर इधर उधर हो गया देन देर इज अ प्रॉब्लम, वो होपफुली नहीं होना चाहिए, ओके, थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं।